गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस हमारी सारी पैकिंग हो गई है कंप्लीट और हम आज सुबह निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:46 हो रहा है, आप देख सकते हैं 3:46 हो गया। तो अभी फटाफट हम नहा के और फटाफट से सारा सामान पैक करते हैं। साथ हम लेके जाने वाले हैं एक बैग। तो गाइस ये है छोटा बैग जो कि हम केदारनाथ ऊपर लेके जाएंगे, और ये है बड़ा बैग, इसमें सारे गर्म कपड़े हैं हमारे। तो ये हम नीचे सोनप्रयाग में ही छोड़ देंगे या लॉकर वगैरह में। अपने साथ हम लेके जा रहे हैं एक छाता, एक ट्राईपोड, एक ये एयरफोन है, और एक हमारे पास ये पावर बैंक है MI की जो कि काफ़ी काम आने वाली है। सैनिटाइज़र है, और ये बड़ा ट्राईपोर्ट है, ये है फेस वॉश जो कि काम आएगा, और ये है हमारी खास यानी की सारी दवाएं, और इसमें है मेडिकल पूरा किट, पूरा सामान, और एक सनग्लासेस है, छोटा सा वॉच है जो कि हम अपने साथ कैरी करेंगे। तो ये सारा इतना सामान करते हैं अपने साथ। फिर मिलते हैं हम आपको। तो गाइस ये है रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने करा लिया था ऑनलाइन 10 दिन पहले। अगर आपको कराना हो तो हम नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप चेकआउट कर लो। बिल्कुल नहा धो के पूजा भी कर लिए और अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। और हम हैं हमारे साथ सात लोग, सात भाई हैं। तो अब मैं बता दूं छोटा सा ग्रुप, हम हैं हमारे साथ रॉकी भाई यानी कि अरुण भाई हैं, और मनोज भाई हैं, और आशू भाई जो कि ड्राइवर हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा यात्रा करते हुए। और दिल्ली से दो फ्रेंड हैं, अरुण भाई हैं और अनिल भाई हैं। तो डायरेक्टली अब हम मिलते हैं गाड़ी पर और हम निकलते हैं अब यहाँ से रूम से बाहर की ओर। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो भाई साहब अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, बैठ कर रहा हूँ गाड़ी का अपना, जो कि मेरी कार आ गई है वो सामने दिख रही है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, फिर बैठते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आगे चल के। ये हमारी कार आ गई है। तो भाई ये हैं अरुण भाई हमारे, जय हो भोलेनाथ, और ये हमारे आशू भाई जो कि इस यात्रा में हमारे साथ हैं, और अभी आगे चल के हमारे कुछ दोस्त मिलेंगे। तो चलते हैं आगे। दयाल मेरा भोले अमली,
ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਮੈਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਘਾਟ ਪੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਵਿੱਤਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਨਿਕਲੇਂਗੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਹਮ ਅਭੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਵਿੱਤਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਤੇ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਘਾਟ ਪੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾ ਕਾਫੀ ਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਗੰਗੇ ਮਈਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੀ ਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਮ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੇ ਲੀਏ। अभी हम पहुंचे हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे और अभी यहाँ से गंगा स्नान करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अभी हम आपको मिलाते हैं एक छोटा सा ग्रुप से, जो कि हम 7 लोग हैं जाने वाले हैं केदारनाथ। तो ठीक है गाइस, आपको हम मिलाते हैं। तो गाइस गंगा स्नान कर लिया हम लोगों ने यहाँ त्रिवेणी घाट पे, अब हम निकलेंगे डायरेक्ट केदारनाथ के लिए। तो गाइस छोटा सा ग्रुप है हमारा, ये हमारे हैं पवन भाई, ये है हमारा अरुण भाई, आंसू भाई, मनोज भाई, अनिल भाई, भाई आपका नाम वीरेंद्र भाई। तो हम 7 लोग हैं इस ग्रुप में और कंटिन्यू यात्रा करेंगे केदारनाथ। तो चलते हैं केदारनाथ से, बीच बीच में भी हम थोड़ा 2000 मंदिर हमारे और है ना, वो भी एक्सप्लोर करेंगे ना बीच में, जहाँ जहाँ रुकेंगे धारी देवी वगैरह मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में और अभी अलकनंदा और भागीरथी का संगम दिखाएंगे आपको। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है अलकनंदा और भागीरथी का। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूं अभी देवप्रयाग में, और ये है अलकनंदा, अलकनंदा ये, और ये है भागीरथी, ये दोनों का संगम हो रहा है। सामने धारी देवी मंदिर, जो कि विशाल मंदिर है, अभी चलेंगे यहाँ भी दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये सामने का व्यूज़ किस इस तरीके का है।
गाइस धारी देवी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं अंदर, और ये प्रसाद ले लिया, वहाँ के दर्शन करेंगे अंदर जाके, और फिर आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो दोस्तों अभी हम हैं धारी देवी मंदिर, दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिया। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये धारी देवी का मंदिर, धारी देवी मंदिर माँ काली माता को समर्पित है, और कहते हैं कि माँ काली माता जो अंदर जो एक मूर्ति स्थापित है वो दिन में 3 बार रंग बदलती है, सुबह एक कन्या के रूप में, और दोपहर में एक युवती के रूप में, और शाम में एक बूढ़ी माँ के रूप में रंग बदलती हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये चारों धामों की रक्षा करती हैं माँ काली माता। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। तो दोस्तों ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये है धारी देवी मंदिर, और ये अलकनंदा तट पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में स्थित माँ काली माता को समर्पित है। काल से परे है तू जो काल को भी जीते ले है, बस में तेरे भूतनाथ नागों में भी रीती है, चंद मुन्न साथ तेरे साथ ये बारात है, ना मोह से बंधा है तेरा रूप तेरी जात है, जगा है मेरा भाग्य मेरे सर पे तेरा हाथ है, ना तेरे जैसा कोई तेरी सबसे न्यारी बात है, भोले बाबा रहना सदा मेरे ही तू साथ है, मेरे भोले बाबा शंभुनाथ रे नाथ रे, मेरे भोले बाबा शंभु। और ये सामने देख रहे हो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, सुबह से निकला हुआ हूँ और अभी भी पहुँचा नहीं हूँ सोनप्रयाग। तो गाइस चलते हैं और फिर आज मिलते हैं डायरेक्टली सोनप्रयाग में। तो गाइस फाइनली पहुँच गया सोनप्रयाग, और अभी का कुछ टाइम हो रहा है 7:55 जो कि सोनप्रयाग में हम हैं, और ये सामने की कुछ मार्केट सोनप्रयाग की, और मैं यहाँ अभी अपनी जो कार है वो पार्क करूँगा, फिर निकलूँगा यहाँ से गौरीकुंड के लिए। तो गाइस मिलता हूँ गौरीकुंड। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि सोनप्रयाग में जो पार्किंग साइट है वो काफ़ी भीड़ लगी थी उसमें, तो हम लोग 1.5 से 2 घंटे उस पार्किंग में फंसे रहे। तो गाइस फिर हम लोग सोनप्रयाग में ही रुके और कैंप लिया, वहीं पर ही हम लोगों ने नाइट स्टे की और खाना पीना खा के सो गए।
इसलिए रात में काफ़ी ठंडा हो गया था, ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो गाइस अब हम मिलेंगे कल सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर कमेंट बॉक्स में कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं सुबह, बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।